हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 6.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सपेंड द फॉलोइंग, और सेकंड क्वेश्चन भी यही दिया है एक्सपेंड द फॉलोइंग। इसमें दोनों ही क्वेश्चनों में कुछ पार्ट दिए गए हैं, अब इन दोनों में अंतर क्या है उसको देख लेते हैं और इसको किस तरीके से सोल्व करना है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए इन सवालों को हल करते हैं। एक्सरसाइज 6.6 को हल करने के लिए हमें तीन प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में तीन प्रॉपर्टी का यूज़ किया था। a प्लस बी की घात 3, यानी कि a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 ए बी ए प्लस बी। एक पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर इस तरीके का सवाल है तो ऐसे ओपन होगी। a माइनस बी की घात 3, a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3 ए बी ए माइनस बी, ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई। और तीसरी है a प्लस बी प्लस सी की घात 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, ये तीसरी प्रॉपर्टी। अब जो हमारा पहला सवाल है वो हमारा पहली ही प्रॉपर्टी पर आधारित है, क्योंकि a प्लस बी की घात 3 है, तो यहाँ भी क्या दिया है 3x प्लस वाई की घात 3 दिया है a पर। अब हम इसको इसी के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। देखिए a क्यूब, तो a क्या है यहाँ पे 3x है, यानी कि 3x का क्यूब, प्लस बी क्यूब, बी क्या है यहाँ पे वाई है, यानी कि वाई का क्यूब, प्लस 3 ऐसा कैसे लगा दिया ए बी, ए की जगह पर 3x गुणा वाई, और ए प्लस बी यानी कि 3x प्लस वाई। इसको जब हम क्यूब करेंगे तो क्यूब का मतलब होता है जैसे 3 दिया है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, तो ये 27x क्यूब आ गया, प्लस वाई क्यूब का वाई क्यूब आ गया, 3 तिया 9 एक्स और वाई, 9x वाई आ गया, 3x प्लस वाई ऐसे ही रहा। अब ये भी ऐसे रहा, ये भी ऐसे रहा। अब इसके हम इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो 9x वाई की 3x में करेंगे, 9 तिया 27 आ गया, x के x में हुई x स्क्वायर आ गया, y का y आ गया, 9 की y में करेंगे तो 9 और एक्स वाई यहाँ था, एक वाई ये था, तो 9x वाई स्क्वायर आ गया। जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं इसके आपको इसी फॉर्मूले पर आधारित हैं आगे के सोल्व करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है वो हमारा दूसरी प्रॉपर्टी पर आधारित है। उसका जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट है वो तो आसान ही है, मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट यानी कि डी पार्ट बता देता हूँ। इसमें दिया है 1/2x माइनस वाई की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बाई टू माइनस वाई की पावर 3, यानी कि ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया। तो ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ए माइनस बी, इसको हमने ओपन कर लिया। अब जब हम इसका क्यूब करेंगे तो एक्स का क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा, 2 × 4 × 8, क्यूब का मतलब होता है 3 बार लिखना मल्टीप्लाई में, तो 2 × 4 × 8 आ गया। माइनस वाई क्यूब आ गया, 3 की एक्स में मल्टीप्लाई करिए तो 3x वाई आ गया, और बटे में 2 एक्स बाई टू माइनस वाई ऐसा कैसे रहा। अब एक्स क्यूब बाई 8 माइनस वाई क्यूब ऐसे ही रहा माइनस। अब इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy है, 3xy की x में करेंगे तो 3x² y आ जाएगा, और 2 की 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब इसी की अगले नंबर में मल्टीप्लाई करनी है तो 3/2 ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स एक्स ऐसे ही रहेगा, और वाई की वाई में होगी तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके भी जो बचे हुए पार्ट हैं वो आपको इसी तरीके से सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारी इसकी अकॉर्डिंग सोल्व करने हैं।